वेलकम टू आई रिवाइज। आज है 25 अक्टूबर और 25 अक्टूबर से रिलेटेड सभी एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स इस वीडियो में कवर होंगे। हाँ, रिवाइज करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, विच यूनिवर्सिटी हैज टॉप्ड QS इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। अभी हाल ही में QS इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की रिपोर्ट आई है, तो उसमें किस यूनिवर्सिटी ने इंडिया से टॉप किया है? तो उसका आंसर है IIT बॉम्बे। अब QS का मतलब क्या है? तो QS का फुल फॉर्म होता है क्वैक्वेरेली साइमंड्स। और अब IITs की बात है तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहला IIT कौन सा खोला गया था। तो इसका आंसर है IIT खड़गपुर। सो IIT खड़गपुर पहला था और सबसे पुराना IIT है। क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द ऑनररी लाइफ मेंबर ऑफ मेरिलबोन क्रिकेट क्लब। अभी किसे हाल ही में मेरिलबोन क्रिकेट क्लब का ऑनररी लाइफ मेंबर चुना गया है? तो इसका आंसर है ग्रेम स्मिथ। ग्रेम स्मिथ कौन है? ये साउथ अफ्रीकन स्किपर हैं। और साउथ अफ्रीका की बात है तो वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? सिरिल रामाफोसा इज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। केप टाउन, प्रेटोरिया, ब्लूमफोंटेन, ये साउथ अफ्रीका की कैपिटल है। एंड साउथ अफ्रीका की करेंसी रैंड है, साउथ अफ्रीकन रैंड। क्वेश्चन नंबर 4, एट विच प्लेस इंडियन आर्मी विल कंडक्ट एन एक्सरसाइज सिंधु सुदर्शन फॉर द ईयर ऑफ 2019। 2019 के लिए इंडियन आर्मी सिंधु सुदर्शन नामक एक्सरसाइज किस जगह पर करेगी? तो इसका आंसर है राजस्थान। अब राजस्थान की बात है तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम है अशोक गहलोत। कालराज मिश्र इज द गवर्नर ऑफ राजस्थान और जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान। अब इंडियन आर्मी की भी बात आई है तो इंडियन आर्मी का एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1895 में किया गया था। प्रेजेंट टाइम में जनरल बिपिन रावत इज द हेड ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। क्वेश्चन नंबर 2, रिसेंटली हु हैज इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ 1 करोड़ ओवर MSGIC। MSGIC किसी तरह की इंश्योरेंस कंपनी है, तो इस पे अभी किसने 1 करोड़ का फाइन लगाया है? इसका आंसर है IRDAI। अब बात है कि IRDAI ने इस पे फाइन क्यों लगाया है, IRDAI कौन सी अथॉरिटी है, कौन सी संस्था है? तो इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। सुभाष चंद्र खुटिया अभी प्रेजेंट टाइम में इसके हेड है। क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर फॉर PM मोदीज इनिशिएटिव भारत की लक्ष्मी। अभी हाल ही में PM मोदी के इनिशिएटिव भारत की लक्ष्मी के लिए किसको एम्बेसडर चुना गया है? इसका आंसर है दीपिका पादुकोण, जो कि एक एक्ट्रेस हैं, और PV सिंधु, जो कि इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द पॉलिसी एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अभी हाल ही में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में किसे पॉलिसी एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका अशोक मलिक। अब अशोक मलिक जो अपॉइंट किए गए हैं, ये एक्चुअली एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे नियुक्त किए गए हैं वहाँ पे। और कल की वीडियो में मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट में जो नियुक्तियाँ हुई हैं सेक्रेटरीज की, वो बताई हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की बात करें तो S जयशंकर जो हैं वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री हैं, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं, और स्मृति ईरानी टेक्सटाइल वुमेन एंड टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। तो ये सभी जितने भी मिनिस्टर हैं, आने वाले जो वीडियो होंगे उन सभी वीडियोस में धीमे धीमे करंट अफेयर्स के थ्रू आपको कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज वर्ल्ड्स लाउडेस्ट बर्ड। दुनिया की सबसे ज़्यादा लाउड आवाज़ निकालने वाली चिड़िया का नाम क्या है? तो इसका आंसर है मेल वाइट बेलबर्ड। अभी कुछ साइंटिस्ट ने जब इसको डिस्कवर किया तो उसकी जो आवाज़ थी वो 125 समथिंग डेसिबल्स में थी। क्वेश्चन नंबर 8,
When United Nations Day celebrates? United Nations Day कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 24 अक्टूबर. और United Nations का establishment 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था. And Antonio Guterres is the head of United Nations. अब United Nations का headquarter कहाँ पे है? तो ये न्यूयॉर्क में है. न्यूयॉर्क USA is the headquarter of United Nations. Question number 10. When World Development Information Day celebrates? किस दिन विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 24 अक्टूबर. अब वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे है, तो इसको स्टार्ट किसने किया था? सो इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 1972 में. यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसकी शुरुआत की थी. क्वेश्चन नंबर 11. विच इंडियन फॉर द फर्स्ट टाइम हैज वॉन गोल्ड इन वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप्स गोल्ड इन शंघाई? अभी हाल ही में शंघाई में वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जो हुआ है, तो उसमें पहली बार किसी भारतीय ने गोल्ड जीता है. तो उसका नाम है प्रवीण कुमार. ये वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप मार्शल आर्ट कराटे से रिलेटेड एक कुछ कॉम्पिटिशन होता है. अब चाइना की बात है, तो बीजिंग इज़ द कैपिटल ऑफ चाइना एंड शी जिनपिंग इज़ द प्रेसिडेंट. अब वहाँ की करेंसी क्या है? देन रेनमिनबी इज द करेंसी ऑफ चाइना. क्वेश्चन नंबर 12. हु इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ट्यूनीशिया? ट्यूनीशिया के नए प्रेसिडेंट कौन है? तो इसका आंसर है कैस सईद. अब बात करें अगर ट्यूनीशिया की, तो ट्यूनिस इज़ द कैपिटल ऑफ ट्यूनीशिया एंड ट्यूनीशियन दिनार इज़ द करेंसी ऑफ ट्यूनीशिया. और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम है यूसुफ सहेद. क्वेश्चन नंबर 13. विच पैरालंपिक एथलीट हैज एंडेड हर लाइफ थ्रू यूथेनेसिया? अभी हाल ही में किस पैरालंपिक एथलीट ने यूथेनेसिया, जो कि एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू अपने जीवन को त्याग दिया है? तो उसका नाम है मैरीके वरवुड. यूथेनेसिया की बात करें, तो ये एक ऐसा लीगल प्रोसीजर होता है जिसमें अगर कोई व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा बीमार है या शारीरिक रूप से उसे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उस लीगल प्रोसेस के कंप्लीट करने के बाद वो अपने आप को ऑफिशियली अपने जीवन को त्याग सकता है. तो इसका आंसर है मैरीकी वरवुड. और वो बेल्जियम से थी एंड सी वॉन गोल्ड इन 100 मीटर इन 2012 लंदन ओलंपिक्स. अब बेल्जियम की बात है, तो वहाँ का कैपिटल है ब्रसेल्स. यूरो इज़ द करेंसी ऑफ बेल्जियम. बेल्जियम की करेंसी यूरो है. अब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? तो चार्ल्स मिशेल इज़ द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम. क्वेश्चन नंबर 14. हु हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर श्री सत्य साई सनातन संस्कृति प्रोजेक्ट एट साई नो सातो इन काकेगावा ऑफ जापान? जापान के काकेगावा में साई नो सातो करके कोई जगह है, तो उस जगह पे श्री सत्य साई सनातन संस्कृति प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, तो वो किसने किया है? तो इसका आंसर है रामनाथ कोविंद, जो कि इंडिया के प्रेसिडेंट हैं. अब जापान की बात है, तो जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे हैं एंड वहाँ का कैपिटल टोक्यो है एंड येन इज़ द करेंसी ऑफ जापान. क्वेश्चन नंबर 15. विच मिनिस्ट्री लॉन्च द फर्स्ट नेशनल प्रोजेक्ट टू एनुमिरेट द स्नो लियोपार्ड पॉपुलेशन इन द कंट्री? अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने स्नो लियोपार्ड पॉपुलेशन को काउंट करना, एनुमिरेट का मतलब है चीज़ों को नंबर देना, उन्हें काउंट करते जाना, तो किस मिनिस्ट्री ने ये बीड़ा उठाया है कि सभी स्नो लियोपार्ड, जिनकी भारत में लगभग संख्या 400 से 700 के आसपास है, तो कौन सी मिनिस्ट्री ये काम करेगी? तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. अब इस मिनिस्ट्री को कौन संभालता है? तो इसका आंसर है प्रकाश जावड़ेकर.
प्रकाश जावड़ेकर इज द मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब स्नो लियोपार्ड के लिए एक अलग से खास दिन बनाया गया है 23rd of October। 23 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्नो लियोपार्ड डे के रूप में मनाया जाता है।